तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या फर्क है, क्या अंतर है, यानी कि HDD और SSD में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसके जो डिफरेंट है वो तो माइक्रो लेवल पर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बड़े लेवल के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जिससे आप लोग ये तय कर सकते हो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉलिड स्टेट ड्राइव लगाने चाहिए या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव लगाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम जी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप बात करता हूं HDD की, जो कि ये पुराना मॉडल हो चुका है, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर बात किया जाए SSD की, ये जो है न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अंतर है, जो फर्क है दोनों में, यानी कि HDD और SSD में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है वो है इसकी डाटा प्रोसेसिंग करने की स्पीड। यानी कि इसमें HDD में जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो होता है 125 MBPS, ओके। और यहां पर जो SSD है उसमें डाटा प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो है 600 MBPS। यानी कि जब भी आप कोई टास्क ओपन करते हो या फिर फाइल ओपन करते हो या फिर कुछ भी काम करते हो कंप्यूटर या लैपटॉप या PC में, तो जो फाइल प्रोसेस होता है वो 600 MBPS यानी कि 600 MB/s के स्पीड से प्रोसेस होता है, और यहां पर HDD में 125 MB/s के हिसाब से यहां पर स्पीड आपको मिलती है काम करने में। आप में बता दिया जाए कि अगर मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में SSD है तो आपका लैपटॉप बहुत फास्ट चलेगा, और यहीं पर बात किया जाए कि HDD है तो इसके तुलना में ये बहुत स्लो है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। और ये बात कर लेते हैं दूसरा मेजर डिफरेंट है HDD और SSD में, वो है कि ये HDD है वो चीप होता है, यानी सस्ता है एक SSD के मुकाबले। यानी कि HDD जो है, HDD जो मेमोरी है वो सस्ती होती है, और SSD है वो एक्सपेंसिव होती है। यानी कह सकते हैं कि SSD बहुत ज्यादा महंगा होता है HDD की तुलना में। ये दूसरा अंतर है, ठीक है। तीसरा अंतर है HDD और SSD में, वो है कि ज्यादातर देखेंगे कि सभी PC का लैपटॉप कंप्यूटर में आपको HDD मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही कंप्यूटर लैपटॉप और PC में आपको SSD मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, ठीक, और आज हर कोई जो है सस्ता लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदना चाहता है इसकी वजह से, ओके। तो अगर आप जो है नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके लैपटॉप में SSD है कि नहीं, उससे आपके लैपटॉप की स्पीड वेरी करती है, ओके। तो अभी जो एक और बात कर लेते हैं, ये जो HDD है इसका साइज जो होता है ये होता है बड़े साइज का। आप देखते होंगे कि जो है इतना बड़ा जो है इसका साइज होता है। वहीं पर बात किया जाए SSD की, तो इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है और ये पतला होता है, और ये HDD का जो साइज होता है वो देखे होंगे तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंट है आपको HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में और सॉलिड स्टेट ड्राइव में। इसके अलावा मोस्टली यूज फॉर एप एंड फाइल, HDD जो होता है ये ज्यादातर जो है एप एंड फाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं SSD जो इस्तेमाल किया जाता है वो मोस्टली यूज फॉर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर ध्यान से आप लोगों ने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंतर इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मेमोरी को प्रोसेस करने की, यानी कि जो डाटा है, जो हम फाइल किसी को ओपन करते हैं, जो भी लैपटॉप में न्यू ऐप ओपन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें जो फाइल प्रोसेसिंग होती है, मान लीजिए आप कॉपी कर रहे हैं, कितनी तेजी से वो कॉपी करेगा, फाइल सेंड करे कितनी तेजी से सेंड करेगा। तो जिसमें SSD होगा, जिस PC लैपटॉप कंप्यूटर में SSD होगा, उसमें फाइल प्रोसेसिंग करने की क्षमता HDD के मामले में, HDD वाले लैपटॉप के मामले में या कंप्यूटर के मामले में बहुत तेज होती है, ठीक है। तो ये अंतर है हार्ड डिस्क ड्राइव में और सॉलिड स्टेट ड्राइव में। तो अभी मान लीजिए कि अगर आप लोग नया लैपटॉप या कंप्यूटर या PC बनवा रहे हैं तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि बाद में आपको ये ना हो कि जो है काम करने के बाद आपका लगे कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर जो PC बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस बहुत स्लो है। तो यदि आप बहुत ज्यादा महंगे में नहीं जा रहे हैं तो भी आपको एटलीस्ट इतना देखना चाहिए कि आपको अपने न्यू लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि विंडो 7 तो भी हट गया है, विंडो 10 और विंडो 11 जो ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जो भी MS-DOS, ये DOS भी नहीं है अभी, लिनक्स है या फिर iOS है, उसके लिए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको कम से कम SSD डलवा देना चाहिए, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग ना हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आपका पूरा लैपटॉप या कंप्यूटर रहता है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक तरह से, तो वो अगर हैंग करेगा तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करने के लिए आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से ऑपरेट होना चाहिए। और आप लोग चाहे तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में SSD डलवा सकते हैं कम साइज का, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, ठीक है, ताकि वो जो है हैंग ना करे, और हैंग नहीं करेगा तो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर स्मूथ चलेगा, फास्ट चलेगा, ठीक है। तो ये था SSD और SSD में अंतर, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा।